सच्चे दरबार की जय। दोस्तों वेलकम टू सीजे सफ़रनामा। मैं हूं आपका दोस्त चरणजीत सिंह और आज मैं बहुत ही खुशी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं वैष्णो देवी यात्रा पे जा रहा हूं और आपको भी अपने साथ ले जा रहा हूं। दोस्तों यात्रा से जुड़ी हुई जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो सकेगी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा और अभी फ़िलहाल मैं रामनगर स्टेशन पर रुका हूँ। जम्मू से मैं 6 बजे निकला था, 6:08 से ट्रेन चलती है। उत्तर संपर्क क्रांति मेरे पीछे खड़ी है, यही हमारी ट्रेन है। मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, पीछे देखिए। और यहाँ रामनगर में कोई 5 मिनट का ब्रेक होता है, तो जम्मू में मैं शूट नहीं कर पाया था क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो गया था घर से ही। तो चलते हैं आगे। जय माता दी। कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और पीछे आप मेरे दर्शन कर सकते हैं त्रिकुटा पर्वत के। और यहां से हार्डली 1.5 किलोमीटर के फासले पर है कटरा बस स्टैंड। दोस्तों ये रेलवे स्टेशन पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये लाइन लगी है, ये रैपिड टेस्ट के लिए लाइन लगी है। और मुझसे भी एक गलती हो गई है, मैं टेस्ट करवा के नहीं आया हूँ, अब यहाँ लाइन में लगना पड़ेगा और यहाँ थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। पर आप ये ध्यान में रखिए जब भी आप आएँ रैपिड टेस्ट या RT-PCR रिपोर्ट जो है वो साथ में रखें। तो दोस्तों रैपिड टेस्ट हो चुका है, रैपिड टेस्ट में तकरीबन 1 घंटा वेस्ट हो गया मेरा। तो मैं यही आपको सलाह दूंगा कि आप टेस्ट पहले से करा के आएँ, RT-PCR या रैपिड टेस्ट। तो दोस्तों ये है पीछे मेरे कटरा रेलवे स्टेशन, बहुत ही साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन, बहुत ही अच्छा है। तो चलिए यहाँ का काम ख़त्म हुआ है, अब चलते हैं आगे। तो ब्रेकफास्ट के लिए मैं रुका हूँ ये पीछे मेरे है कोट्रेक्स ETO फूड पॉइंट रेलवे रोड पर। तो मैंने सोचा ब्रेकफास्ट करके ही निकलते हैं यात्रा शुरू करने से पहले। सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी पर्ची जो है वो ऑनलाइन निकालें ताकि आपको लाइन में ना खड़ा होना पड़े। दर्शनी दरवाज़ा इस स्थान को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां से त्रिकुटा पर्वत के आपको दर्शन होते हैं और यहां से ही यात्रा शुरू होती है, एंट्री पॉइंट भी कह सकते हैं। यहां तक पहुंचने के लिए आपको ऑटो मिल जाएगा, ऑटो का आने का किराया 100 रुपया है और यहाँ से वापस जाने का किराया 200 रुपया है क्योंकि ये ऑटो यहाँ से घूमकर जाता है, तो इसलिए इसका जाने का किराया ज़्यादा है। पीछे है गुलशन कुमार जी द्वारा चलाया गया लंगर स्थान। दोस्तों यहाँ से दो रास्ते जाते हैं भवन की ओर, एक जो पुराना रास्ता है जहाँ से भवन का फासला 12 किलोमीटर है और एक नया रास्ता जो ताराकोट से होते हुए जाता है वो 14 किलोमीटर है। मैंने डिसाइड किया है कि मैं ताराकोट वाले रास्ते पे ही जाऊँगा क्योंकि मैंने ये रास्ता मेरे लिए ये नया है। बाणगंगा, इसको बाल गंगा भी कहा जाता है। अगर मैं पुराने रास्ते से जाता तो बाणगंगा और साथ में चरण पादुका के दर्शन भी हो जाते। और दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसको बाणगंगा क्यों कहा जाता है। बाणगंगा कहा जाता है कि माता जब गुफा की ओर जा रही थी
तो उनके साथ हनुमान जी थे, उनको प्यास लगी तो माता जी ने तीर मारकर यहाँ से पानी निकाला और उन्होंने अपनी प्यास बुझाई। और इसको बाल गंगा भी कहा जाता है। बाल गंगा इसलिए कहा जाता है कि जब माता गुफा की ओर जा रही थी तो उन्होंने अपने यहाँ पे बाल धोए थे, इसलिए इसको बाल गंगा भी कहा जाता है। इस रास्ते पर मैंने कुछ बातें नोट की हैं। एक तो यहाँ पे खच्चर पालकी वाले जो हैं वो बिल्कुल नहीं चलते, और दूसरा नंबर यहाँ रास्ते बहुत ही साफ़ सुथरे हैं। यहाँ के जो शौचालय हैं, जो बाथरूम टॉयलेट हैं, बहुत ही साफ़ सुथरे हैं। और यहाँ पे पूरे रास्ते पर, तकरीबन पूरे रास्ते पर शेड है। शेड होने से बारिश आ जाए या धूप आ जाए तो आप उससे भी बच सकते हैं। अधिकारी गर्भ पहुंच चुके हैं। गर्भजून के दर्शन के लिए पर्ची काउंटर से पर्ची कटवानी होती है और फिर आपका ग्रुप आने पर आपको दर्शन करने हैं। यात्रा में अगर आप लेट हो जाएं, आप अधिकारी रुक सकते हैं। अधिकारी में शारदा भवन और भगवता भवन उपलब्ध रहते हैं। अधिकारी के बाद अब मैं चल पड़ा भवन की ओर। के दरबार में पहुंच चुके हैं। पीछे आप देख सकते हैं दरबार के दर्शन, और भेड़ प्रसाद मैंने ले लिया है भेड़ शॉप से पीछे। तो चलते हैं, आप दर्शन करते हैं। दोस्तों, यहां लॉकर रूम की चाबी मुझे मिल गई है और यहां अपना सामान जो है लॉकर रूम में जमा कराना पड़ेगा। अब मैं आपसे दर्शन करने के बाद मिलूँगा। दोस्तों, दर्शन हो चुके हैं माता के, और अब मैं भैरव घाटी जा रहा हूँ। भैरव जब माता अधिकारी से यहाँ भवन में कैब में आई थी तो भैरव उनके पीछे पीछे आ गए। माता ने फिर उनका विनाश किया और उनका सिर काट दिया। कहते हैं कि सिर जो है वो भैरव घाट पे उनका जाके गिरा, तो वहाँ उनका एक स्थान बन गया। तो भैरव जब क्षमा यात्रा कर रहे थे तो माता ने कहा कि जो भी मेरे भवन में अब आएगा वो जब तक आपके दर्शन नहीं करेगा तो उसके दर्शन पूरे नहीं होंगे। भैरवनाथ के दर्शन हो चुके हैं, और यहाँ मैं आया था रोपवे से। रोपवे का किराया वैष्णो देवी भवन से है 100 रुपया आने जाने का। तो फिलहाल टाइम भी बीतता जा रहा है और दिन भी ढलता जा रहे हैं, और वापसी भी करनी है। तो फिलहाल यहाँ का प्रोग्राम यहाँ ही समाप्त करते हैं। चलते हैं आगे, अब नीचे चलते हैं, वहाँ मिलते हैं। स्टेशन और प्लेटफॉर्म सेकंड पे ट्रेन लगी है, अभी 10:30 बजे चलेगी। आज का सफ़र ये रहा कि सुबह मैंने
6 बजे के करीब उत्तर संपर्क क्रांति जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से पकड़ी और 8 बजे के करीब मैं कटरा स्टेशन आया। वहाँ मैंने रैपिड टेस्ट करवाया जिसमें थोड़ा सा टाइम लग गया और 10 बजे के करीब बस स्टैंड से मैंने अपनी यात्रा शुरू की। ताराकोट के रास्ते से मैंने अपना सफ़र शुरू किया। आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ताराकोट वाला जो रास्ता है मेरे सजेशन से आप ना ले तो बेटर है, क्योंकि एक तो वो लंबा है और उस पर ज़्यादा चहल पहल नहीं है। उसके बाद अटकुआरी में रुका मैं, फिर आगे मैंने अपना सफ़र शुरू किया और मैं चला गया भुवन में। मैंने दर्शन करने के बाद भैरव घाटी के दर्शन किए और भैरव घाटी के दर्शन करने के बाद मैं वापस कटरा रेलवे स्टेशन पाया, अटकुआरी आया तो, और पुराने रास्ते से आया। टिप्स देना चाहता हूँ, कुछ टिप्स ये हैं कि जैसा मैंने किया वैसे आप मत करें, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत था, थोड़ा आज टाइम नहीं था, इसलिए मैंने एक ही दिन में पूरा सफ़र तय कर दिया। पर कम से कम इस सफ़र को आप दो दिन लगाएं। अगर मेरी माने तो आप एक दिन ऑनलाइन बुकिंग कराएं और रात को आप भवन में रुकें, अगले दिन वहाँ से भैरव घाटी जाते हुए आगे का जो है यात्रा जो है पूरी करें। दोस्तों कुछ बातें ख्याल रखने वाली हैं, जैसे कि अगर आप सफ़र पर जा रहे हैं तो आपके साथ स्पोर्ट्स शूज़ होने चाहिए और कंफर्टेबल कपड़े होने चाहिए आपके पास, तो आसानी रहेगी सफ़र में। मैं चाहता हूँ कि हो सके तो मानसून के मौसम में थोड़ा अवॉइड करें आना। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी पूरी जर्नी जो मैंने एक दिन में तय की और कुछ बताने की कोशिश की आपको, कुछ मेरे लिए कोशिश अच्छी लगी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और मेरे वीडियोस को शेयर करें और आज का सफ़र यहाँ ही ख़त्म कर रहा हूँ। फिर अगले सफ़र में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे लेता हूँ इजाज़त। अच्छा खाइए, अच्छा लगाइए और स्वस्थ रहिए।